कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे सॉर्टिंग्स के बारे में, सॉर्टिंग्स एंड एडवांस सॉर्टिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सॉर्टिंग्स में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने समझाया कि सॉर्ट करने का क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा एक कोई डेटा है, मुझे इसमें को अरेंज करना है। मान लीजिए कि टॉप 50 एमआरपी ही चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ से जेड टू और ए टू जेड, तो टॉप पर सारे आ जाएंगे और यहाँ से आप टॉप 5 को उठा सकते हैं। ओके तो लेकिन मुझे अगर कई सारे कॉलम्स के अकॉर्डिंग करने हैं, तो हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट में, तो यहां से कॉलम लेंगे। जैसे मुझे नेम के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं यहां नेम ले लिया, फिर एड लेबल, फिर नेम के बाद मुझे सिटी के अकॉर्डिंग करना है, सिटी ले लिया, अगेन एड लेबल, मुझे यहाँ एरिया चाहिए तो हमने एरिया ले लिया, तो ये आपका उसके हिसाब से शॉर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास मंथ हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन फैब कर दिया है, अब मुझे मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो उससे होगा क्या कि आपका अप्रैल पहले आएगा, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा दिसंबर, वो लेकिन वो जो है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। मुझे अपने कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए हम यहाँ कस्टम सॉर्ट पे आते हैं, मंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कस्टम लिस्ट पे जाते हैं। कस्टम लिस्ट याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, तो इस कस्टम लिस्ट में हमारा जो है जैन फैव का जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट करके हमने ओके कर दिया एंड ओके। अब देखिए जैन फैव मार्च इस तरह से आया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसके अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए कस्टम शॉर्ट पे हम आएंगे और यहाँ कस्टम लिस्ट, आप अपनी लिस्ट यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है, अपनी लिस्ट यहाँ तैयार कर लीजिए, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, देन ओके आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि नेम लिस्ट है, तो मैं चाहता हूँ पहले मैनेजर हो, फिर सुपरवाइजर हो, फिर सीनियर टीम लीडर हो, इस तरह से, तो उस केस में हम अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं कस्टम लिस्ट में। आप पहले से तैयार की गई लिस्ट को भी ले सकते हैं या फिर न्यू लिस्ट पे जाके अपने लिस्ट तैयार भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे कुछ बड़े छोटे का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए सिटी वाइज ही करते हैं तो MUZ और यहाँ भी MUZ, तो मैं चाहता हूँ कैपिटल और स्मॉल मिक्सअप ना हो, तो यहाँ हम कस्टम पे आते हैं और यहाँ ऑप्शन पे केस सेंसिटिव को सिलेक्ट कर लेंगे एंड मैं सॉर्ट करूँगा एरिया नहीं सिटी के हिसाब से एंड ओके। तो जहाँ भी होगा MUH, तो यहाँ देखिए पहले स्मॉल आया है फिर नीचे आएगा कैपिटल, ये मिक्सअप नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो कलर है वो यहाँ से हटा देता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम सॉर्ट करते हैं तो अपने हिसाब से कलर ले लेते हैं, कुछ भी कलर यहाँ से उठाया और कलर चूज कर लिया, यहाँ पे कलर ले लिया, तो कहीं कहीं पे हम इसकी कलरिंग कर लेते हैं।
ठीक है सर। तो अब मुझे जो कलर है सारा इकट्ठा चाहिए, तो कस्टम सॉर्ट पे आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेल वैल्यू के जगह पे हम सेल कलर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर चूज करते हैं ऑन द टॉप ऑन द बॉटम ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम। तो टॉप ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह लगा रखे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन जो है वो मेरे हिसाब से शॉर्ट हो, तो यहाँ आप कस्टम शॉर्ट पे आए और फिर यहाँ से सेल के जगह पे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स, यहाँ क्वांटिटी में नहीं है एमआरपी में है, एमआरपी को सिलेक्ट किया, यहाँ आइकन्स के लिस्ट आ गए। सेलेक्ट किया मैंने, अब जैसे हमने अभी जो शॉर्ट किया है टॉप टू बॉटम किया है, लेकिन मुझे लेफ्ट टू राइट करना हो, मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ अपने फिगर, मैं यहाँ जैन फेब मार्च इस तरह से कुछ फिगर डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ नंबर्स। अब इस नंबर्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां कस्टम सॉर्ट पे यहां ऑप्शन पे आता हूं और यहां लेफ्ट सॉर्ट लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करता हूं। यहां से रो वन मतलब कि आपको जेनफेक के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, रो टू मतलब कि आपको नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, देन ओके एंड ओके। तो इसे लेफ्ट टू राइट सॉर्ट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग का कंसेप्ट था। आप चलिए सॉर्टिंग पे कुछ ट्रिक्स को जानते हैं। ट्रिक नंबर वन कि मान लीजिए मुझे हर किसी के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है इस तरह से, तो प्रॉब्लम क्या है कि एक एक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो कुछ ऐसा तरीक हो जो पूरा एक बार में कर दे। मैं थोड़ा सा डेटा लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, और यहाँ हम एक सीरियल नंबर ऐड करेंगे 1 2, और इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, फिर इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कस्टम शॉट के अंदर सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ हम जो है सेल वैल्यू छोड़ दीजिए, यहाँ सीरियल नंबर को लेते हैं। तो अब सीरियल नंबर शॉर्ट करने का क्या फ़ायदा, तो हमें तो एक एक रो ब्लैंक चाहिए, तो इसी सीरियल नंबर को लेते हैं और नीचे हम रिपीट कर देते हैं। अब क्या होगा जब सीरियल नंबर से सॉर्ट करेंगे तो दोनों वन इकट्ठा होगा और कोई भी वैल्यू अकेले नहीं आता है, पूरा का पूरा रो लेके आता है, तो ये ब्लैंक रो लेके ऊपर चला जाएगा। तो कस्टम सॉर्ट में करके दिखाता हूँ, मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देन ओके। अब आप देखिए हर एक रो के पीछे ब्लैंक रो आ गया और सीरियल नंबर को डिलीट कर दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा होता है, डेटा में कई सारे ब्लैंक्स होते हैं, तो उस कुछ लोग उस ब्लैंक को डिलीट करने चाहते हैं और डिलीट करने के लिए वो जो है यूज करते हैं किसका
यूज करते हैं फिल्टर का, फॉर्मूले का, बट यहां हम फिल्टर फॉर्मूले इस्तेमाल ना करेंगे, यहां हम इस्तेमाल करेंगे सॉर्टिंग। क्योंकि फिल्टर वगैरह में क्या होता है कि पीछे का डेटा भी डिलीट होने के चांसेस होते हैं, राइट सर। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करते हैं। कस्टम सॉर्ट में किसी भी एक के अकॉर्डिंग से आईडी है उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट कर दिया, तो जितना ब्लैंक होगा वो नीचे आ जाएगा। इससे आपका जल्दी फास्ट भी हो जाएगा और आपका जो है प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है सर जी। तो इसको हम सॉर्ट करते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि यहां हमने एक एक रो ऐड करना था तो कर लिया। अगर मुझे मान लीजिए कि दो 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 रो ऐड करना हो या तीन तीन रो ऐड करना हो तब क्या करेंगे, तो हमने जो सीरियल नंबर दिया था उसी सीरियल नंबर को हमें दो रो ऐड करने हैं, तो इसको दोनों को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसी के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अब दो बार रिपीट कर दिया, तब यहाँ देखिएगा हर के बाद हर रो के बाद एक दो ब्लैंक रो आएगा, आ गया। लेकिन मुझे दो ब्लैंक रो नहीं चाहिए, मुझे हर दो रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वन एंड वन को रखेंगे, वन एंड टू सॉरी वन एंड टू लिखेंगे और नहीं माफ कीजिए वन वन दो बार, दो के बाद करना ऐड करना है तो दो वन लिखेंगे प्लस वन कर देंगे, तो क्या हुआ हर नंबर दो बार आ जाएगा, हर नंबर दो बार आ गया। अब नीचे जो मुझे नंबर देने ब्लैंक के लिए वो सिर्फ एक बार देने, सिर्फ एक बार देने, तो मैंने यहां पे एक बार दिया। अब मैं इसको इजीली सॉर्ट कर लूंगा, कस्टम सॉर्ट्स और यहां पे हम सीरियल नंबर एंड अब हर दो के बाद एक ब्लैंक रो आ गया। तो अजय जी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जी सर, जी सर। अब चलिए एक रिसर्च आप लोगों को देता हूं आज में, उस रिसर्च को कीजिए। यहां हमने सॉर्टिंग को खत्म कर दिया, अब आगे एक और कुछ और सॉर्टिंग के ट्रिक्स है, लेकिन वो सॉर्टिंग की प्रैक्टिस के बाद बताएंगे। एक एक रिसर्च मुझे भी करके दीजिए। रिसर्च ये है कि हम सॉर्ट तो कर देते हैं बट अनसॉर्ट कैसे करें। जैसे मैंने लिया और इस नंबर के अकॉर्डिंग, हाँ इस नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, तो मुझे वापस का अभी सेव कर दिया, अब तो कंट्रोल जेड कर देंगे, लेकिन मैंने सेव करके फाइल क्लोज कर दी। अगले दिन ओपन किया और मुझे लगा नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे इसको अनसॉर्ट करना था, मुझे जैसा था उसी फॉर्म में रखना था, और जो फॉर्म में रखना था उसका कोई सिक्वेंस नहीं है। तो अनसॉर्ट कैसे करेंगे, एक्सेस वगैरह में पावर बीआई वगैरह में अनसॉर्ट का ऑप्शन होता है बट एक्सेल में अनसॉर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो कोई एक तरीका बताइए जिससे हम अनसॉर्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसका तरीका खोज के मुझे कल मिलिए, कल हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे। सर
सर एक छोटा सा पूछना था सवाल। हाँ पूछिए, छोटा बड़ा एमएस पूछिए। एमएस ऑफिस 2010 में पावर क्वेरी नहीं है ना, नहीं, एड ऑन के थ्रू नहीं ले सकते? एडोन के थ्रू आप स्लाइसर ला सकते हैं, पावर नहीं, स्लाइसर होगा, पावर पिवट ला सकते हैं, पावर क्वेरी नहीं। ओके सर, ओके। और सर एक चीज, और पावर क्वेरी चलाने के लिए जो हमारा विंडोज जिस बिट में चल रहा है उसी बिट में हमारा सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, लाइक एमएस ऑफिस। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर मेरे को एक क्वेरी हुआ, मैं अभी 43 लाख का डेटा था, मैं कुछ कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, मेरा सिस्टम चल रहा है 62 बिट में, 64 बिट में, और जो एमएस ऑफिस है वो 32 बिट में है। हाँ वो तो होना चाहिए ना, बिट तो दोनों का बराबर होना चाहिए ना सर। ओके सर, ओके। तो वो इशू कर रहा है सर, वो फाइल रीड नहीं कर रहा बराबर से। हाँ बिट में प्रॉब्लम होता है। ठीक है सर, ठीक है। ओके बाय।